नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए रुक करते हैं 15 प्रमुख शहर और उनकी खास खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा को भगवा रंग से रंगने के बाद लगातार योगी सरकार पर विपक्ष हमला बोल रहा है। यह टोल प्लाजा मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच स्थित है, जिसका ट्रायल आज से शुरू किया गया है। इस टोल प्लाजा में कई टोल गेट हैं जिससे गाड़ियां गुजरेंगी। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती की वीआईपी परमिशन में छटनी शुरू हो गई है। शनिवार को कलेक्टर के आदेश पर 16 संस्थाओं पर रोक लगाई गई या परमिशन देने की संख्या कम कर दी गई, जिनमें से एक महंत, बैंक, राजनीतिक दल, मीडिया और समाज सेवी संस्थाएं भी शामिल है। ग्वालियर में एक युवक ने पहले अपनी पत्नी को जमकर पीटा, फिर उसके सर को बखर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना रात 1:30 बजे की है। अचानक मां के चीखने की आवाज सुनी तो बच्चों की आंख खुली, देखा कि पिता मां को पीट रहा था। इसके बाद सिर में लोहे की फांस मार दी। राजस्थान में 7 जुलाई से पहले दस्तक नहीं देगा मानसून। मौसम विभाग ने पहले राजस्थान में 15 जून को मानसून आने का दावा किया था, लेकिन अब विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश में 7 जुलाई के बाद ही मानसून प्रवेश करेगा। इंतजार बढ़ने के बीच अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में इस बार सामान्य से 6% तक अधिक बरसात होने की संभावना है। शिष्या से दुष्कर्म के आरोपी दाती मदन के आश्रम की तलाशी के लिए शनिवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पाली पहुंची। पुलिस अपने साथ पीड़िता को भी लेकर आश्रम गई थी। पीड़िता ने बताया कि दिल्ली के आश्रम के अलावा इस आश्रम में भी उसने दुष्कर्म का शिकार बनी है। दाती के खिलाफ पीड़िता ने दिल्ली के फतेहपुरी बेरी थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ऐलान किया कि अगली बार से प्रताप जयंती पर देश भर में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि देश दुनिया मेवाड़ की माटी में मौजूद 450 साल पुरानी सामाजिक समरसता को देख सके। राठौर शनिवार को प्रताप जयंती पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम उदयपुर के निगम सभागार में सम्मिलित हुए थे। कोरबा के आसपास के इलाकों में जंगली हाथी जमकर कहर बरपा रहे हैं। जंगल और उससे सटी हुई बस्तियों में वो इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। एक बार फिर शनिवार की देर रात हाथी ने हमला कर सदूर कला में एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 8 दिनों में हाथियों के हमले में ये चौथे बुजुर्ग की जान जा चुकी है। ताज़ातरीन आगरा को सूबे की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज एक बार फिर से खूनी हो गया। इटावा में सड़क के किनारे खड़ी एसयूवी कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन घायलों में 8 बेहद गंभीर हैं। देहरादून में रविवार सुबह यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में पलटने पर एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 13 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हथियारी डैम साइट के पास दूसरी तरफ से आ रही थी ऑल्टो कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। बिहार के चंपारण जिले के बगहा निवासी खुशबू ने हीरे जड़ित अंगूठी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। खुशबू की शादी सूरत के हीरा व्यवसायी विशाल अग्रवाल से हुई है। इस दंपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया से प्रभावित होकर कुछ अलग करने का निश्चय किया था। भोपाल में शनिवार रात चेकिंग कर रहे एक एएसआई को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें घसीटते हुए आधा किलोमीटर तक ले गई। हादसे में एएसआई के पैर में 2 फ्रैक्चर आए और कंधे में भी गंभीर चोटें आई है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहादत दिवस पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों पर कीर्तन दरबार सजाया गया। भक्तिपूर्ण भजनों के साथ सेवा कार्य भी लोगों ने किए। भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देते हुए जगह जगह मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। मुंबई में मानसून के दस्तक देते ही शहर में चारों तरफ पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश लोगों के लिए अब आफत बन गई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है। वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं, तो वहीं रेल सेवाएं भी ठप हो रही है। कोरिया जिले में एक युवक की शनिवार देर रात हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर मोबाइल से बात कर रहा था। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। विश्व स्तर पर स्थापित आस्था व विश्वास के अटूट केंद्र देवघर में एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले में इस साल
कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार कड़ी धूप में बिना अग्नि परीक्षा के भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देंगे। दरअसल इस बार सड़क पर ऐसा पेंट किया जाएगा जो आस्था की राह में रोड़ा बनने वाली जलन को कम कर देगा। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। We'll be right back.